ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। दिलीप कुमार और संजीव कुमार दोनों ही बॉलीवुड के महान कलाकार थे। आइए देखते हैं इन दोनों की सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की और कमाई के मामले में कौन सबसे आगे रहा। चलिए पहले देखते हैं संजीव कुमार की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की। पहले नंबर पर है फिल्म शिकार, जो कि एक हिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आत्माराम ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 1.5 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है फिल्म खिलौना, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था चंदर वोहरा ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 अप्रैल 1970 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 3.5 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है फिल्म सीता और गीता, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 नवंबर 1972 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 19 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पर है फिल्म शोले, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1975 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 35 करोड़ रुपए। पाँचवें नंबर पर है फिल्म त्रिशूल, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 मई 1978 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 20 करोड़ रुपए। छठे नंबर पर है फिल्म विधाता, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था सुभाष घई ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 दिसंबर 1982 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 16 करोड़ रुपए। सातवें और आखिरी नंबर पर है फिल्म खुद्दार, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि टंडन ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 30 जुलाई 1982 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 104 करोड़ रुपए। संजीव कुमार की टोटल 7 सुपरहिट फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कमाए 199 करोड़ रुपए। आइए अब देखते हैं दिलीप कुमार की सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की। पहले नंबर पर है सुपरहिट फिल्म शहीद। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सहगल ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 26 मार्च 1948 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 75 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर है फिल्म अंदाज, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 18 मार्च 1949 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पर है फिल्म आन, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महबूब खान ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 जुलाई 1952 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 3 करोड़ रुपए। चौथे नंबर पर है फिल्म नया दौर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बी आर चोपड़ा ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 अगस्त 1957 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 5 करोड़ रुपए। पांचवें नंबर पर है फिल्म मधुमति, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विमल रॉय ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 सितंबर 1958 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 4 करोड़ रुपए। छठे नंबर पर है फिल्म पैगाम, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रामानंद सागर ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 30 नवंबर 1959 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 1 करोड़ रुपए। सातवें नंबर पर है फिल्म मुगले आजम, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था के आसिफ ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 5 अगस्त 1960 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 11 करोड़ रुपए। आठवें नंबर पर है फिल्म गंगा जमुना, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितिन बोस ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1961 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 11 करोड़ रुपए। नवे नंबर पर है फिल्म राम और श्याम, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था तापी चाणक्य ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 7 अप्रैल 1967 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 10 करोड़ रुपए। दसवें और आखिरी नंबर पर है फिल्म क्रांति, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मनोज कुमार ने। ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 फरवरी 1981 में। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने कमाए थे 20 करोड़ रुपए। अगर हम इन दोनों एक्टर्स की फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर कमाई देखें, तो संजीव कुमार की सभी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने कमाए कुल 199 करोड़ रुपए। वहीं दिलीप कुमार की सभी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने कमाए कुल 66 करोड़ रुपए। इन दोनों महान कलाकारों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों अपनी अपनी जगह महान थे।